अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल्ली से हमारे बहुत ही प्यारे व्यूवर हैं संजीव चड्डा भाई। उनके एक कमेंट की वसादत से मुझे पता चला कि उनका अबाई मोहल्ला सियालकोट के अंदर म्यानापुरा मोहल्ला है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए ताकि वो अपनी याददाश्तों को ताज़ा कर सकें और वो देख सकें कि आज वो मोहल्ला कैसा नज़र आता है, वो जगह कैसी है कि जहाँ पर उनके आबाओ अजदाद कभी रहा करते थे, उन्होंने बचपन गुजारा, खेला कूदा और बहुत इंजॉय करते होंगे। मैं अपनी कोशिश करता हूं कि इस मोहल्ले को अच्छी तरह से दिखा सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो उसके लिए मैं माजरत, क्योंकि काफ़ी मोहल्ला बड़ा है और मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन सी गली कहाँ कहाँ से है। खैर, लुंडा फाटक से मैं शुरू कर रहा हूं, ये उसके शुरू होते ही ये बड़ी सी मस्जिद है, इसके साथ ही ये गली से मैं शुरू कर रहा हूँ। संजीव भाई, आपकी बसारतों की नज़र है। और दोस्तों, आज की शायरी मैं उन लोगों को डेडिकेट करता हूं जो इस वक्त अपने वतन से दूर हैं, हाँ वो किसी भी मजबूरी से दूर हैं या किसी वजह से हैं, उनके लिए ये चंद अशआर। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है यार आने वतन, आवारा गुरबत को भी सुना, किस रंग में है किन आने वतन, वो बागे वतन फिर दौसे वतन, वो सुरब वतन रिहाने वतन, ओ देश से आने वाले बता। क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं, क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर गंगूर घटाएं छाती हैं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को बाती हैं, ओ देश से आने वाले बता। क्या अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नज़ारे होते हैं, क्या अब भी सुहानी रातों को वो चांद सितारे होते हैं, हम खेल जो खेला करते थे क्या अब भी वो सारे होते हैं, ओ देश से आने वाले बता। क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, वो पेड़ घुनेरे अब भी हैं शादाब किनारे दरिया पर, और प्यार से आकर झांकता है महताब किनारे दरिया पर, ओ देश से आने वाले बता। क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता, क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कुछ आह बता, ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता लिल्लाह बता, ओ देश से आने वाले बता। दोस्तों, यकीन करें कि 1947 में ना सिर्फ दो मुल्कों का बंटवारा हुआ है बल्कि बहुत से ऐसे हज़ारों ख़ानदानों का भी बंटवारा हो गया है कि जो लोग यहाँ थे वो यहाँ रह गए, कुछ लोग उधर थे वो उधर रह गए, उनकी यादें यहाँ पर वाबस्ता हैं और किसी की यादें वहाँ पर वाबस्ता हैं। और हमारे हम मुल्कों का ये एक और अलमिया है कि एक दूसरे को देखने के लिए हम न यहाँ जा सकते हैं न वहाँ जा सकते हैं। और मैं जानता हूँ ये जो कावश हम करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, ये एक ज़रिया होता है, ये सबब बन जाता है उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपना ज़िंदगी का एक बहुत ही कीमती अरसा इस मुल्क के अंदर और इन मोहल्लों के अंदर गुजारा है, वो देख के अपनी आबाई जगहों को देखकर खुश होते हैं और दिल ही दिल में रोते भी होंगे कि यार ये वो जगह है जहाँ पर हमने अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हात को गुजारा है, और वो चाहते हुए भी इसको फरामोश नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते, क्योंकि ये उनका आबाई जन्म स्थान होता है, उनकी जाए पैदाइश होती है, इसको किसी तौर भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उम्मीद है दोस्तों हम आपकी ख्वाहिशात पर पूरा उतर रहे होंगे, तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको और क्या देखना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे तरीके से आपकी बसारतों की नज़र कर सकूँ। मुद्दत से ना आई कोई खबर, याराने गुलिस्तां कैसे हैं, ऐ बाद सबा इतना तो बता, सुरवो गुलो रिहां कैसे हैं, पाबंद कफस तो कैसे कहें और किस से कहें रुदाब कफस, आज़ाद कफस बतलाए हमें अरबाब गुलिस्तां कैसे हैं, हर एक कदम या मजलिस गम, हर ताज़ा सितम एक मिस्र अलम, इस हाल में पूछें किस से ये हम, गमदीदा एक इनआ कैसे हैं, हम दर्द है अपना कौन यहाँ, लातू ही खबर ए बाद हिजां, इस साल वतन के बागों में गुलहाय बहारा कैसे हैं, गुरबत ही न थी कम होश रुबा, इस पर ये असीरी रंज फिजा, है कौन जो पूछे आके ज़रा, हम हस्ता हिरमा कैसे हैं, सयाद ने है चुन चुन के किया बेजुर्म खता महबूब से बला, है किसको गरज जो पूछे ज़रा, आबाद ये जिंदा कैसे हैं, है मौज नसीम में सुबह चमन, खुशबाश सुना फिर हाल वतन, कोहसार दमन किस हाल में है, वादी और खियाबां कैसे हैं, क्या पूछती है ऐ शाम कफस,
अफसाना रंगो बुए चमन। हम कैदियों को क्या इलम कि अब गुल कैसे गुलिस्तां कैसे हैं, गुल बांग कफस ही बन जाए ऐ काश नवाए आज़ादी। क्या कहिए के अख्तर सीने में मचले हुए अरमा कैसे हैं। दोस्तों, मैंने मियानापुरा मोहल्ले की सैर कराने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है संजीव भाई चड्डा साहब को ये वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे दूसरे प्यारे व्यूवर्स जो इस मोहल्ले से हैं और वो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़रिया मुआश कमाने के लिए मौजूद हैं, ईद के पुरमसरत मौका पर भी वो दियारे गैर में इस गरज से मौजूद हैं कि उनके घर वाले खुशोखुरम रह सकें और अपने मियारे ज़िंदगी को बेहतर तरीके से वो बुलंद कर सकें और खुशियाँ समेट सकें। मैं उन लोगों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जो अपने ख़ानदान को भी चला रहे हैं और मुल्क के लिए भी कीमती ज़र मुबादला का ज़रिया बन रहे हैं। उन तमाम परदेसी भाइयों को मेरी तरफ से सलाम अकीदत और सल्यूट है। मेरी रब ताला से दुआ है कि आप खुश हुरम रहें, तंदरुस्त रहें, शाद और आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको तमाम तर बलाओं और वबाओं से महफूज फरमाए। दोस्तों, मियानापुरा में ये मशहूर लुंडा फाटक है, इसके ऊपर मैं इस वीडियो को अख्ताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले।